किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। जहां पर मैं खड़ा हूं, ये खेत एक गांव है बिनारसी बुलेड, जो चुड़ियाला स्टेशन है बिल्कुल उसके पास में है और भगवानपुर तहसील में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में ये गांव आता है। किसान साथियों, जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये हिसार सफ़ेदे का पेड़ है और अगर आप इस तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये करीब 16 बीघे का खेत है। दोनों आधा जो मेरे उस तरफ है, जिस तरफ मेरा हाथ है, ये आधा खेत उस तरफ है और आधा मेरे इस तरफ है, बाईं तरफ की तरफ है। जो ये मेरे दाईं तरफ है, इसमें हमने कुंभकाट नींबू लगाया है 15x15 पर, और जो ये मेरा बाईं तरफ है, इसमें 15x15 पर हमने मेजर जो फसल है वो है हमारी अमरूद की। इन दोनों के बीच में हमने इस तरफ, जिस तरफ मेरा मुंह है यानी पूर्व की तरफ के खेत में, 30x30 पर हमने आम लगाया है। आम में जो इस तरफ की फसल है, ये अमरूद वाली है, इसके साथ में मेजर जो आम है वो है चौंसा, थोड़ा लंगड़ा भी है, और जो उधर देख रहे हैं आप अभी एक कोना सा है उस तरफ, उधर थोड़े पेड़ आम्रपाली और मल्लिका के भी हैं। ये जो मेरे नींबू वाला खेत है, इसमें भी 30x30 पर जो मेजर आम है वो हमने लंगड़ा रखा है। ये मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत मुख्य कारण है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो जो भाई बाग लगा रहे हैं, जिन्हें समस्या आ रही, वो बिल्कुल नहीं आएगी। इस खेत की कहानी शुरू होती है लगभग 2.5 वर्ष पहले से। एक मेरे पड़ोसी हैं डॉक्टर मुस्तकीम, मैं उनसे मिलवाता हूँ अभी आपको। वो एक आदमी को लेकर हमारे पास आए, उनका नाम है अल्लादिया। अल्लादिया जी आजकल उत्तराखंड सरकार में जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वो आए और वो अपने इस खेत में बाग लगाना चाहते थे। तो डॉक्टर साहब मेरी वीडियो देखते रहते थे, मेरा अमेजिंग किसान फार्म है वो यहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में है। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी और मेरे बारे में सुना और वो मुझे अल्लादिया जी को लेकर पास आए, कह रहे बाग लगाना है तो आप त्यागी जी से मिलो। ये ज़मीन बहुत गहरी थी और जो आसपास के जो खेत है ना, सबका पानी इसमें आता था बरसात में, ये एक मेन समस्या थी। पिछले साल इसमें क्या हुआ वो मैं सब बताऊंगा, लेकिन अल्लादिया जी ठहरे इंजीनियर आदमी, तो उन्होंने इसकी चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बाउंड्री करवाई ईंट से और उसके ऊपर जाली लगवाई एंगल आयरन लगाकर, और ये प्रबंध कर दिया कि बाहर का पानी इसमें ना आए। लेकिन फिर भी पिछले वर्ष इसमें बाहर का पानी आ गया। जो बाढ़ का पानी आया था, पिछले साल वर्षा अधिक हुई थी, तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि इस खेत में क्या हुआ था, और हम सब आश्चर्यचकित थे। लेकिन आज आप देखिए कितने अच्छे अमरूद आए हुए हैं, कितनी अच्छी इसकी टहनियाँ हैं। हमारे बाढ़ में लगभग 30% पेड़ ख़राब भी हुए थे, हमने किसी ने भी हार नहीं मानी। लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं जब कोई नया काम शुरू करता है, तो मजाक बहुत उड़ाते हैं गांव में, तो सब हंसते थे पेड़ लगाए नहीं हमने, अमरूद खा लिए कैसा टेस्ट हुआ। लेकिन अब की बार उन सब ने अमरूद खाए और अमरूद खाकर उनकी बोलती बंद हो गई बिल्कुल, और इतने मीठे अमरूद थे। आइए मैं मिलवाता हूँ डॉक्टर मुस्तकीम से और वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आई और क्या हमने हल करी। चलिए मिलते हैं डॉक्टर मुस्तकीम साहब। आपका स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। धन्यवाद जी। अब आप ये बताइए कि जब हमने पिछले साल फरवरी में इसकी स्थापना की थी, इस बाग की जी, उसके बाद हमारे सामने क्या समस्याएं आई थी और हमारे सामने क्या चैलेंजेस थे जो गांव वालों ने हमें बहुत सुनाए थे, ये बताइए। अरे गांव वालों ने तो बड़ा खुशकियाँ उड़ाई है इसमें कि अमरूद खा लिए क्या, आम खा लिए क्या, और उसके बावजूद भी इसमें 5 फीट ऊपर तक जो है पानी भर गया था इसने पिछले साल। पिछले साल
और उसके बावजूद जो है बाग की प्रोग्रेस इतनी बढ़िया हो रही है, अगर पानी ना भरता तो और भी ज्यादा बढ़िया। कितने महीने पानी रहा था इसमें? 5 महीने पूरा। देखिए 5 महीने इसमें पानी रहा था, और जब वो पानी रहा तो हम सब का मनोबल टूट गया था, लेकिन जो हमारे इसके मालिक हैं अल्लाह दिया जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, और हम इसकी फिर प्लानिंग करते हैं जी। पेड़ हमारे 70% फिर भी बच गए थे। हाँ, 70% उसके बाद भी बच गए थे, जबकि इनमें पानी भरा रहा था यहाँ 2-2 फीट तक। अब उसके बाद हमने क्या किया फिर, क्या इसमें जो है ना उस पानी से बचाव का क्या तरीका? उसके बाद जो है हमने नदी का जो रेत है वो लगभग 1 फीट के करीब इसमें डाला गया है, और फिर इसकी 2 बार जो है धरती की तुड़ाई करी गई है, और तुड़ाई करने के बाद फिर दोबारा से जो है पेड़ प्लांट करे गए, जो पेड़ इसमें से खत्म हो गया, और अब जो है दोबारा से जो वो अब पूरा बाग एक साथ जो है कंटिन्यू खड़ा है। अब आप खुश हैं बाग को देखकर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया जी, सब हैं। ये अमरूद भी आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब अमरूद भी खिलाते हैं, ये देखे कुछ लोगों को खिलाए भी हैं, और ये देखे कितने अच्छे अच्छे अमरूद लगे हुए हैं, जबकि पेड़ ये कुल 1.5 वर्ष का है, मुश्किल से। इन्होंने इसकी जो मेरा बेटा है ये विवेक, ये इसकी देखभाल करता है। ये जो बाग लगाया था इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था हमारे अमेजिंग किसान और अल्लाह दिया जी के बीच में। साइन क्या था हमें भी पता था कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह दिया जी बहुत अच्छे, हमारा केवल जवाब विश्वास पर था सब चीज़ें। एक आध किसान ने हमें धोखा भी दिया है पेमेंट के मामले में, बाग अच्छा किया लेकिन किसी ना किसी कोई करके उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारी बातचीत हुई और एक समझौता हुआ था उस पर हम चले, और नुकसान दोनों को हुआ, लेकिन अंत में जब सफलता मिलती है तो सभी सफल होते हैं। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट था लगाने से लेकर और 2 साल तक का, लगाएंगे हम, देखभाल हम करेंगे और पानी ये देंगे, खाद हमारी टीम लगाएगी, कटिंग हमारी टीम करेगी, और जो पेड़ खराब होंगे उन्हें भी हम ही देंगे। ये एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। आज हम दोनों खुश हैं, और आप चारों तरफ देखिए। अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा चारों तरफ जो बाग है, और ये नींबू भी देख लीजिए कि पेड़ पर कितने नींबू हैं। प्रत्येक पेड़ पर 50 से लेकर 100 तक नींबू होंगे कम से कम। इन्हें हमने तोड़ने के लिए कहा है, और इसमें अब खाद पानी लगाएंगे, पानी शुरू कर दिया है, इसके बाद खाद लगाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हम अगली बरसात की फसल नींबू की लेंगे और सर्दियों की भी लेंगे। जब इसमें पिछले साल जैसा डॉक्टर साहब ने बताया पानी भरा, तो ये निर्णय हुआ कि इसमें नदी से जो रेत आता है वो डलवाया जाए, और इन्होंने जो अल्लाह दिया जी थे, आज वो किसी कारण से नहीं है यहाँ पर, ड्यूटी गए हैं, तो उन्होंने इसमें 1-1 फीट रेत डलवाया। उसे डालने के बाद इसमें पलटी पुलाव चलाया गया, तो 1 फीट मिट्टी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कर दी गई। अब देखिए कि ये जो मिट्टी है, ये देखिए आप, अब ये मिट्टी कितनी है। पहले एक तरह से ये यहाँ पर बिल्कुल चिकनी मिट्टी थी, बहुत चिकनी मिट्टी थी, अब ये बलुई दोमट सी मिट्टी हो गई है, और ये घास इस बात का सूचक है कि ये मिट्टी अच्छी है और ये ज़मीन भी उपजाऊ है। पानी अगर किसी कारण से अधिक भर जाए और निकल ना सके, चूँकि आसपास के खेत ऊंचे हैं, तो वैसे 4 दीवारी कर सब मतलब प्रबंध किए गए हैं, पानी बाहर का न आए उसके लिए सभी प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमने एक वहाँ पर जो कोना है वहाँ पर दिख रहा है, एक हमने बोरिंग कराया और उसमें एक इस प्रकार का प्रबंध कराया कि खेत का अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो वहाँ पर जाकर वो ज़मीन में चला जाए। किसान साथियों, अगर मनुष्य ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, अगर उसकी भावना सही है और उसमें लगन है। प्राकृतिक विपदा हमेशा नहीं आती, उनसे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बाग लगाने से पहले अगर आप एक बार अमेजिंग किसान से मिल लेंगे, अपनी ज़मीन के बारे में बताएंगे, अपनी क्या लगाने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में बताएंगे, तो आपको सही सलाह मिलेगी। अगर आपको बहुत शौक है और बहुत बड़ा बाग है तो आप एक विजिट अरेंज अवश्य करवाइए, उससे आपका थोड़ा खर्चा तो होगा
लेकिन आपकी बचत अधिक होगी और आपका बाग बड़ा अच्छा बनकर आएगा। किसान साथियों, हमारे यहाँ पर हर 50 किलोमीटर पर आदमी की वाणी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, ज़मीन बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर हुआ हो वही आपके यहाँ भी हो जाएगा। वहाँ बहुत अच्छा भी हो सकता है, वहाँ कुछ दूसरे प्रबंध करने पड़ सकते हैं, वहाँ कुछ दूसरी समस्या आती है, लेकिन उनका सबका विश्लेषण कर हम तैयारी कर सकते हैं और हम सफल होंगे। आज डॉक्टर साहब इस गांव वालों को अमरूद भी खिलाते हैं और सबने प्रशंसा भी पाई है और हम सभी खुशी है। आप और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिस बंदे को त्यागी जी का सहयोग जो है इस बारे में इतना बढ़िया रहा है, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा है, आप एक बार इनसे मिलिए और इन्हें सेवा का भी मौका दीजिए। भाई हमारा तो बिल्कुल बाग बिल्कुल ख़त्म था, उसके बावजूद भी आज जो है 100% बिल्कुल हरा भरा खड़ा है। तो हम तो यही चाहेंगे भाई, जिस बंदे को भी किसी चीज़ की तैयारी करनी तो पहले से उसके बारे में पता कर लेना चाहिए और फिर आगे की जो है प्लानिंग करनी चाहिए। जब हमने फरवरी में ये बाग लगाया, उससे पहले ये मेरे से जुलाई में मिले थे आकर, अल्लाह दिया को लेकर आए थे, तो मैंने इनको एक सुझाव दिया था। मैंने कहा आप जो है ना नए हैं इस फील्ड में, और आप ऐसा करें कि मैं आपके पेड़ों को बड़ी थैली में घर पर ही बड़े कर देता हूँ, सर्दी से बचाऊँगा। और मैंने जुलाई में जब ये आए थे इन्होंने बुक कराए पौधे, अगस्त में मैंने बड़ी थैली में कर दिए और फरवरी में लाकर हमने लगाए थे। लेकिन बारिश इतनी हुई पिछले साल के 2 महीने तक तो ये मैंने देखा कि इतना 2-2 फीट पानी भरा हुआ था इसमें 2 महीने में, ये तो बता रहे हैं 5 महीने, लेकिन फिर भी हमारे 70% पौधे सर्वाइव कर गए थे। हमें 30% इसलिए बदलने पड़े, इतने पानी में रहकर भी हम उन्हें फंगस और जितनी बीमारियों से उनसे बचाए रखा हमने। किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति। ऐसे कई प्रयोग हम अब दिखाएंगे जिन पर हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, बागों में काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी के अच्छे बाग को दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि बाग शुरू करने से पहले क्या तैयारी आती है, क्या चैलेंजेज आते हैं, वो आप भी करें और तब सही हो। जो हम करते हैं वही हम दिखाते हैं, जो चैलेंज हमारे सामने आते हैं उनको ही हम बताते हैं। इसलिए आप बाग लगाने से पहले अगर किसी भी प्रकार का बाग लगाने जाएँ या एग्रोफोरेस्ट्री करने जाएँ, एक बार अमेजिंग किसान फार्म पर अवश्य आएँ, हमसे अवश्य मिले। आप सहारनपुर में भी मिल सकते हैं हमारे अमेजिंग किसान फार्म पर। मैं पंजाब में रहता हूँ, लुधियाना के पास राहों एक जगह है, वहाँ पर कृपाल सागर में मैं महीने में 20 दिन रहता हूँ। सकते हैं अगर आप बुलाना चाहते हैं तो आप उसके लिए 9910336139 पर समय लें और आप आइए, आपका स्वागत होगा। अगर आप हमारे फार्म पर आता है उसकी कोई फीस नहीं है, अगर हमें बुलाते हैं उसका आपको खर्चा वहन करना होगा। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।